नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव क्लास इन क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आपको एक ही वीडियो को कई बार देखने और सुनने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं दो बार यूपीएससी का, 3 बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओं का लगातार मेंस देता रहा हूं। अन एकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों। तभी आज अन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं जहाँ आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी पे 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो कम्प्रिहेंसिव है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस कोर्स। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 49,500 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 72,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, वो 40,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 36,450 रुपये, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 49,500, 10% छूट के साथ 44,550 रुपये, और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 72,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए देना होगा 64,800 रुपये, और 36 महीने मतलब 3 साल की जो फीस है 90,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो 10% छूट के साथ आपको इसके लिए 81,000 रुपये पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल ने जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकता है। और दोस्तों, प्लस कोर्स उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अपनी मंजिल से दूर हैं। उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं आपको यहाँ दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग दोस्त मेरे कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और आप लोग इसका 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक। यूपीएससी सीएससी हिंदी में दूसरा जो कोर्स है वो आइकॉनिक कोर्स। इसमें आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 69,500 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,07,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,41,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 12 महीने में 10% डिस्काउंट के साथ 69,500 की जगह पे 62,550 रुपये पेड करना होगा। 24 महीने का जो फी 1,07,000 रुपये है, 10% डिस्काउंट के साथ 98,300 रुपये पेड करना होगा, और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन 1,41,000 रुपये है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो 10% छूट के साथ आपको 1,26,900 रुपये इसके लिए पेड करना होगा।
देखिए दोस्त, आइकॉनिक कोर्स किन के लिए है? आइकॉनिक कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए यह कोर्स है। क्योंकि इससे इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपको इससे बेहतर सेवा कोई भी संस्थान नहीं दे सकती है। और इसलिए दोस्त, आप लोग अन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म आइकॉनिक से जरूर जुड़िए और इस कोर्स में आप लोग एडमिशन लीजिए। तथा आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर इसको आप प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए। UPSC CSE ऑप्शनल जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 27,500 रुपये। चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 40,000 रुपये। और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 50,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 27,500, 10% छूट के साथ आपको 24,750 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 36,000 रुपये पेड करना होगा। और 36 महीने का जो फीस 50,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको इसके लिए 45,000 रुपये पेड करना होगा। दोस्तों, यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। इससे कम फीस पे आपको मात्र 1,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको अन एकेडमी आपसे फीस ले रही है और आपको इतनी सारी फीचर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग अन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और मेरे कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अन एकेडमी कम्बैट जो शुरू किया गया है उसमें क्या मिला है? बेस्ट क्वेश्चन बाय बेस्ट अन एकेडमी एजुकेटर के द्वारा 31 जनवरी 2021 को कम्बैट शुरू होने जा रहा है। टाइमिंग रखा गया है 11 बजे। क्या होगा इसमें? 60 क्वेश्चन होगा, 45 मिनट का समय दिया जा रहा है, 13 कम्बैट होगा, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग दिया जाएगा, फ्रंटलिटी कॉन्टेक्ट होगा अल्टरनेटिव संडे को, मतलब एक संडे छोड़ के दूसरे संडे को अल्टरनेटिव होगा। इसके लिए जो इनाम रखा गया है गिफ्ट, उसमें रखा गया क्या? 1 से 3 रैंक तक जो लाएगा, 1 से लेकर 3 रैंक तक जो भी लाएगा उसके लिए 3 महीने का UPSC CSE GS Plus सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा अन एकेडमी की ओर से। और रैंक 4 से लेकर रैंक 150 तक जो लाएगा उसको 1,000 रुपये का Amazon वाउचर दिया जाएगा, न्यू बैच फॉर UPSC CSE 21, 22 और 23 के लिए शुरू किया जा रहा है अन एकेडमी के द्वारा। न्यू बैच लॉन्च किया जा रहा है UPSC CSE 2021, 22 और 23 के लिए 25 जनवरी से UPSC CSE 21, 22 और 23 के लिए नया बैच की शुरुआत की जा रही है। 6 महीने बैच फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स के लिए शुरू किया जा रहा है। किसके लिए? 21 के लिए, 25 जनवरी से, जहां पे बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में होगा। बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए और आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह कंप्लीट 1 ईयर GS बेस्ट कोर्स शुरू किया जा रहा है। किसके लिए? UPSC CSE 2022 के लिए। यहाँ भी क्या होगा? बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश मीडियम में होगा। आप लोग दोस्त इस अन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और लाभान्वित होइए। कंप्लीट 2 ईयर बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है, अन एकेडमी के द्वारा GS बैच कोर्स शुरू हो रहा है UPSC CSE 2023 के लिए, 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप लोग इससे भी जुड़िए, जुड़ सकते हैं। 2 ईयर्स कोर्स आपको 2 साल तक, जिनको 2023 में UPSC देना है उनके लिए भी पूरा कंप्लीट GS का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा 2 साल के लिए। यहाँ भी तीनों है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम है। इसी तरह NCERT बैच शुरू किए जा रहा है UPSC CSE प्रीलिम्स के लिए।
एनसीईआरटी बैच शुरू किया जा रहा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिमेंस के लिए 25 जनवरी से। देखिए एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी बेस है, बेस मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि एनसीईआरटी पढ़ा जाए, तो इसीलिए अनअकैडमी ने एनसीईआरटी बैच शुरू किया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिमेंस। चाहे आपको 21 देना हो, 22 देना हो, 23 देना हो, कभी भी आप देंगे आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी ही। यहाँ भी बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में इसकी पढ़ाई होगी। इसलिए दोस्त आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप लोग लाभान्वित होइए तथा आप लोग एडमिशन लीजिए। और आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए। आइकॉनिक प्राइज हाइक में क्या रखा गया है, कंटेंट विथ पर्सनल कोच, एवोल्यूएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा आपके लिए, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप होगा, आंसर राइटिंग कराया जाएगा डेली और डेली कंटेंट दिया जाएगा। इतनी सारी सुविधाएं के साथ आपको अनअकैडमी आइकॉनिक प्राइज हाइक लाया है। इसलिए दोस्त आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हुए जरूर एडमिशन लीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। यही हमारी आपसे गुजारिश है। देखिए अब हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे, एक बार फिर मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म में आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के उद्भव, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म से कौन कौन उसकी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, हर्षनाथ के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सा आयोजन हुआ जैन धर्म को लेकर, और जैन धर्म की कौन प्रमुख पुस्तकें हैं, खास करके 2021, 22 और 23 में जिसको प्रीलिमिन्स का देना हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म का उद्भव। जैन ही धर्म क्यों, बौद्ध धर्म चाहे जैन धर्म, दोनों धर्मों के आखिर उद्भव के क्या कारण थे, आखिर इन धर्मों के उद्भव के क्या कारण थे। देखिए उत्तर वैदिक काल में समाज जो था वो क्या था, स्पष्ट चार वर्णों में विभाजित था। उत्तर वैदिक काल में समाज जो था वो चार वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, समाज क्या था, चार भागों में विभाजित था। प्रत्येक वर्ण के अपने कर्तव्य निश्चित अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्ण व्यवस्था का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्म मूलक हो गया। क्या कह रहा है कि वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल के दशम मंडल के, वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में आदि पुरुष के से दिखाता है कि चार वर्णों का जन्म होता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, अशूद्र का, और चारों वर्णों का जो कर्म का निर्धारण किया गया, मतलब काम करने का वो किया गया, किस पे होगा था, कर्म पे आधारित था, कर्म पे आधारित था कि किसको कौन सा काम करना है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते हम देखते हैं कि इसमें क्या आना लगा, इसमें कृष्णता आनी शुरू हो गई और जो कर्म मूलक समाज था वो क्या हो गया, वो जन्म मूलक हो गया। मतलब कि इन वर्णों का जो निर्धारण जो पहले कर्म के आधार पे होता था, काम करने के आधार पे होता था, अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हो गया, यह जन्म मूलक हो गया। मतलब अब जन्म से निर्धारण शुरू हो गया कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा। मतलब कर्म यहाँ लोप हो गया, अब क्या आने लगा, धर्म के अंदर बुराई आनी शुरू हो गई। हम लोग देखते हैं कि वैदिक समाज तक क्या था, वैदिक जो समाज था वह बिल्कुल धर्म निरपेक्ष था, बिल्कुल धर्म निरपेक्ष था। एक ही परिवार में लोग अलग अलग तरह का कार्य करते थे। आप लोग पढ़े होंगे कि वैदिक काल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता कोई और काम करते हैं और मेरी माता चक्की पीसती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही परिवार में लोग अलग अलग क्या करते थे, काम कर सकते थे। वहां समाज क्या था, धर्म निरपेक्ष था,
वहां पे कर्म पे आधारित समाज था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि समाज क्या होने लगा, धार्मिक रूप से इसके अंदर क्या आने लगी, बुराइयां आने लगी। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो समाज क्या था, कर्म मूलक था, अब हो गया वो जन्म मूलक हो गया। मतलब वर्ण व्यवस्था का निर्धारण अब जन्म के आधार पर होने लगा। इन वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग शासक के रूप में काम करते थे। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो थे वो किसके रूप में थे, शासक के रूप में थे। वे ब्राह्मणों के धर्म विषय प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। देखिए वर्ण व्यवस्था में जो निर्धारण किया गया उसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दिया गया, उसके बाद से क्षत्रिय को दिया गया। क्योंकि क्षत्रिय राजा होते थे तो उनको यह लगता था कि जिस उनको क्या किया गया है, उनको जो दूसरा स्थान दिया गया है वो धर्म विषय प्रभुत्व पर वह ठीक नहीं है। इसीलिए क्या था, कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में टकराव की स्थिति शुरू हो गई थी। और इन्हीं टकरावों का था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो दो धर्मों का उदय हुआ वह कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच टकराव का ही कारण था। क्योंकि इन दोनों धर्मों का उदय किसके द्वारा किया गया, क्षत्रियों के द्वारा किया। दोनों धर्मों का जो उदय हुआ वह क्षत्रियों को द्वारा हुआ, क्योंकि महावीर जैन भी क्या थे, क्षत्रिय थे, और गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों का उद्भव का कारण बना। अभी वही जो बताए थे, क्योंकि क्षत्रिय भी क्या थे, सर्व संपन्न थे, राजा थे, उनके पास शक्ति थी। तो इनका ब्राह्मणों से टकराव होना, पुरोहितों से टकराव होना और श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करना क्या हुआ, नए धर्म के उद्भव का कारण बना। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्या थे, क्षत्रिय वंश के थे, तथा दोनों ब्राह्मणों की मान्यता को क्या किया गया, चुनौती दिया। क्या हम लोग पढ़े कि समाज पहले क्या था, कर्म मूलक था, उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म मूलक हो गया, ठीक है। क्षत्रिय जो थे वो क्या थे, राजा होते थे, लेकिन उनको धार्मिक विशेषाधिकारों को जो दावा जो लोग पुरोहित करते थे उनकी श्रेष्ठता को लेकर क्षत्रियों से संघर्ष शुरू हो गया, टकराव शुरू हो गया। और यही टकराव क्या हुआ, नए धर्म के उद्भव का कारण बना। एक कारण यह, देखिए महत्वपूर्ण कारण नहीं है लेकिन यह एक भी कारण है, यह भी एक कारण है। और जैन धर्म का संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम जो थे दोनों क्षत्रिय कुल से आते थे, वंश से थे, और इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों की मान्यता को, श्रेष्ठता को इन्होंने चुनौती दी। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे, तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। क्या कह रहा है इसमें, और क्या योगदान दिया नए धर्म के उदय में, दूसरा योगदान दिया कि लोहे की खोज ने भी इस नए धर्म के उदय में अपना योगदान दिया। क्या हुआ इसे, कृषि अधिशेष बढ़ गया। लोग लोहे के प्रयोग से क्या किए, जंगलों को साफ करके खेती बाड़ी शुरू कर दिए। और इससे क्या हुआ, बड़े बड़े नगरों का, अस्थाई बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। इससे इसने भी क्या किया, इसने भी नए धर्म के उद्भव में अपनी सहायता दी। और इस खेती बाड़ी कौन करते थे, खेती बाड़ी हम लोग देखते हैं कि वैश्य वर्ग के लोग करते थे। तो इससे क्या हुआ कि तीसरे वर्ण के अंदर भी संपन्नता आ गई। और इस तरह हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में इस जो अस्थाई बस्तियों का निर्माण संभव हुआ,
जंगलों को साफ करके लोहे के प्रयोग के बाद इसे क्या हुआ कि अनेक नगरों का स्थापना हुआ, पूर्वोत्तर भारत में अनेक नए नगरों की स्थापना हुई। उदाहरण कौशाम्बी प्रयाग के समीप, नए नगरों में कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, वाराणसी, वैशाली, चिराग, सारण, राजगीर, पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान क्या था? तृतीय कोटि का था। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। देखिए क्या था, हम अभी बताए हैं कि कृषि कर्म और व्यापार किसके जिम्मे में था। कृषि कर्म और व्यापार जो था और राजस्व जो देते थे वह देते थे वैश्य वर्ग के लोग। वैश्य वर्ग के लोग के अंदर संपन्नता तो थी, पैसा से वो क्या थे, संपन्न थे, और राजस्व भी वही लोग देते थे, कृषि कर्म भी वही लोग करते थे, लेकिन समाज में उनकी स्थिति क्या थी, तीसरे वर्ग की थी। समाज में जो हायरार्की बनाया गया था उसमें इनकी स्थिति क्या थी, तीसरे वर्ग में थी। और इससे क्या था कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं आक्रोश था हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को लेकर उनके मन में भी कहीं ना कहीं आक्रोश पनप रहा था, और वे भी एक किसी ऐसे धर्म के तलाश में थे जहां उन्हें सम्मान की प्राप्ति हो। और इसका आधार किसने प्रशस्त किया, इसका आधार हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रशस्त किया, क्योंकि इन दोनों धर्मों का सबसे ज्यादा प्रश्रय अगर किसी ने दिया तो वैश्य वर्ग के लोगों ने दिया। वणिक जो सेठी कहलाते थे, अभी हम जो बताए हैं वणिक जो सेठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को क्या किए, अधिक मात्रा में दान दिए। इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध की प्रारंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को इन्होंने क्या किया, कोई महत्व नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैन हुए चाहे बौद्ध हुए दोनों अपने प्रारंभिक स्थिति में, बाद में देखिए बाद में भले इनके अंदर भी वही बुराइयां आ गई, लेकिन शुरुआत के समय में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया। दूसरा, वे अहिंसा का उपदेश देते थे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे, जिससे क्या हुआ, विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि वे क्या करते थे, अहिंसा का उपदेश देते थे। दूसरा, वे अहिंसा का उपदेश देते थे जिससे क्या था, जो राजाओं के मध्य युद्धों का अंत हो सकता था। अब इससे क्या फायदा होता, देखिए सबसे ज्यादा युद्ध से किसको दिक्कत होती है, वाणिज्य व्यापार को दिक्कत होती है, ठीक है, उसके बाद खेती खेती बाड़ी को दिक्कत होती है, मतलब क्या होता है, खेत बाड़ी भी नुकसान कर देते हैं भाई। मान लीजिए पता चला कि फौज आ रही है, दोनों ओर की फौज आई, इससे क्या हुआ कि फसल भी बर्बाद होती है। तो सबसे ज्यादा इन युद्धों से अगर कोई प्रभावित होता था तो वैश्य वर्ग होता था। इन युद्धों से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता था वैश्य वर्ग, उनका क्या होता था, उनका वाणिज्य व्यापार भी ठप हो जाता था और खेती बाड़ी में भी उनको नुकसान उठाना पड़ता। इस धर्म का, दोनों धर्मों का आगे बढ़ने का एक कारण यह भी था, ये दोनों क्या करते थे, अहिंसा पर बल देते थे। इससे क्या होता सकता था कि युद्धों का जो टकराव होता इसका क्या हो सकता, अंत हो सकता था, फलस्वरूप व्यापार उन्नति हो सकती थी। तीसरे, ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तकों में जो क्या कहा जाए, धर्म सूत्र जिसको कहा जाता था, सूद के कारोबार मतलब ब्याज के कारोबार को क्या कहा जाता था, निंदनीय समझा जाता था, सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। तीसरा क्या था, तीसरा चौथा कारण यह था कि हिंदू जो धर्म शास्त्र थे, चाहे मनु स्मृति हुआ, चाहे और कोई नारद स्मृति हुआ, चाहे याकबल की स्मृति हुआ, जो भी थे वो क्या सूद को बुरा मानते थे। सूद मतलब ब्याज पे कारोबार जो लोग करते थे उसको निंदनीय समझा जाता था समाज में, और उनको जो लोग सूद पे जीते थे मतलब ब्याज पे जो लोग
उनको क्या कहा जाता था, अधम समझा जाता था, पापी समझा जाता था। इसने भी क्या किया, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने इस विषय पे अपना कोई मत नहीं दिया था। इसने भी क्या किया, इसने भी बणिक वर्ग को इस धर्म की तरफ जुड़ने के लिए आकर्षित किया। देखिए यह था क्या, जैन धर्म हुआ या बौद्ध धर्म हुआ, दोनों धर्मों के उदय के यही कारण थे। अब देखिए यह क्वेश्चन परीक्षा में मेंस में पूछा जा सकता है कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण थे, जैन धर्म या बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण थे। तो आप लोग यही चार आपको टॉपिक लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है कि समाज क्या था, जो जन्म मूलक पहले क्या था, कर्म मूलक समाज था, वो क्या हो गया, जन्म मूलक हो गया। जन्म मूलक होने से क्या हो गया, समाज में क्लिष्टता आई। दूसरा कि जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, जो संपन्न थे, वो क्या थे, जो राजा होते थे, और उनका धर्म के मामलों में ब्राह्मणों से कहीं ना कहीं टकराव उत्पन्न हुआ। और टकराव होने का कारण यह था, टकराव की क्या था, समाज में इनका स्थान जो था, क्षत्रियों का स्थान था क्या था, दूसरे पायदान पे था। भले ही राजा होते थे लेकिन इनका स्थान जो था वो दूसरे स्थान पे था। और इन दोनों नए धर्मों का उदय जो हुआ वो किसके द्वारा किया गया, इन्हीं के द्वारा किया गया, क्योंकि ये क्या थे, शक्ति संपन्न थे। तीसरा जो कारण था, तीसरा कारण यह था कि वैश्य वर्ग जो राजस्व देते थे, जो खेती करते थे, जो क्या थे, धन संपन्न थे, व्यापार करते थे, लेकिन समाज में उनका स्थान तीसरे वर्ग, और उनके मन के अंदर भी कहीं ना कहीं आक्रोश था, और वह भी किसी ऐसे धर्म की खोज में थे जहां उन्हें क्या हो, इज्जत और सम्मान मिल सके। और इसीलिए हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ, इन दोनों धर्मों के आगे बढ़ाने में वणिक वर्ग के लोगों ने काफी प्रश्रय और काफी धन दिया। इसी तरह क्योंकि यह क्या था, यह वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, इसीलिए समाज का जो चौथा वर्ण था, शूद्र वर्ग जिसको कहा जाता है, इनका ये भी इस धर्म की तरफ काफी आकृष्ट हुए। इसलिए इस तरह हम देखते हैं कि जैन धर्म और क्या हुआ, लोहे की खोज ने भी इस धर्म को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लोहे की खोज से क्या हुआ, लोहे की खोज से द्वितीय नगरीकरण हुआ। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और द्वितीय नगरीकरण में क्या होता है कि जब लोहे की खोज हुई तो जंगलों को साफ करके खेतीबाड़ी शुरू किया है लोग, और इससे क्या हुआ, बड़े बड़े नए अस्थाई बस्तियों का निर्माण शुरू हुआ और नए नगरों का उद्भव हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि कौशाम्बी, काशी, वैशाली, मगध, इस तरह से क्या हुआ, नए नगरों का निर्माण हुआ। और नए नगरों के निर्माण से भी इन धर्मों को के बढ़ने में सहायता मिली। और इस चौथा इसमें एक कारण यह भी था कि हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या कहा गया था कि सूद लेना बुरा माना जाता था, सूद मतलब ब्याज पे काम करने वाले आदमी को अधम पापी समझा जाता था, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म इस पे क्या है, मौन है। इसलिए भी वणिक वर्ग का इस धर्म को काफी समर्थन मिला। इस तरह इन धर्मों के उद्भव के महत्वपूर्ण कारण थे, यही आपको मेंस में लिखना है। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में कैसे पूछा जाओगा कि जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण थे, इसी में से तीन दे देगा, एक नहीं कर देगा उसमें से। तो इस तरह आपको एक प्रश्न यहां से हो सकता है। अब हम शुरू करते हैं, जैन धर्म शुरू करते हैं, यह क्या था, उद्भव के कारण थे। अब हम पढ़ते हैं वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता या जितेंद्रिय। जैन का मतलब क्या होता है, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको क्या कहा जाता है, जितेंद्रिय कहा जाता है। और जितेंद्रिय ही शब्द से क्या बना है, जैन शब्द बना है। जैन मतलब जीन, जो अपने क्या हो, अपने
अपने जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय हो, जो अपनी इच्छाओं पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ वह जैन धर्म को अधिष्ठाता तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया है कि जैन महात्मा को क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहे, मतलब बिल्कुल मुक्त। जैन महात्माओं को क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या हुआ, बंधन रहित, मतलब बिल्कुल मुक्त। और जैन, इनको जैन धर्म की, इनको क्या कहा, जैन धर्म के जो स्थापना करने वाले लोग थे, आगे बढ़ाने वाले लोग थे, इनको क्या कहा गया, इनको तीर्थकर कहा गया, इनके तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव आदिनाथ। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है या पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। अरिष्टि नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो वो मिलता है अरिष्टि नेमी का। अरिष्टि नेमी का उल्लेख कहाँ होता है, ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टि नेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया। क्या कहा कि जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर हैं, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, उनके बारे में कहा गया है कि वे कौन, वासुदेव कृष्ण के भाई बताया गया है। वासुदेव कौन, वासुदेव कृष्ण कौन, वही भागवत धर्म श्री कृष्ण जी, कृष्ण भगवान, उनको उनका भाई कहा गया है। जैन धर्मावलंबियों को विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा कौन थे, महावीर स्वामी थे। इसके पहले 23 आचार्य हुए हैं जो तीर्थकर कहलाते थे। क्या करें, जैन धर्म का विश्वास है, जैन धर्म मतावलंबियों का, कि 24 तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर जैन थे। महावीर जो थे वो चौथे 24वें तीर्थंकर थे, यह ही सबसे महान तीर्थंकर थे, यही जो थे। और जैन धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में उपदेष्टा जो माना जाता है किसको, 23वें तीर्थंकर को। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। 23वें तीर्थंकर कहाँ के थे, पूछता है परीक्षा में कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे। कई बार यह एग्जाम में आया हुआ है, तो यह काशी के राजा के पुत्र थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का संबंध काशी से था, या वाराणसी के राजा के पुत्र थे 23वें तीर्थंकर। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सम्मेद शिखर पे का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। सम्मेद शिखर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। ये भी पूछा गया है कि सम्मेद शिखर का संबंध है ऋषभदेव से, अरिष्टि नेमी से, पार्श्वनाथ से और महावीर से, तो किससे है, पार्श्वनाथ जी से है। यहाँ पे क्या हुआ, पार्श्वनाथ जी को सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है, पार्श्वनाथ जिसको पहाड़ी कहा जाता है, वहां पे क्या हुआ, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई सम्मेद शिखर पे। अब वर्तमान में झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी के पर इनका क्या हुआ, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है, क्या है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्ते। इसमें यही 4 इन्होंने क्या दिया था, अपना
महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ जी, जो अपना उपदेश दिए थे, क्या दिए थे, सत्य पे जोर देना चाहिए, अहिंसा पे इन्होंने कहा, और परिग्रह पे मतलब धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, और अस्ते झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही इन्होंने कहा था। और इसी में पांचवा जोड़ा था महावीर स्वामी ने, क्या, ब्रह्मचर्य। इन्हीं चार शक्तियों में पांचवा उन्होंने जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने किया। कहा जाता है कि 24 भले ही ऋषभ देव को जैन धर्म का पहला तीर्थकर माना जाता है, लेकिन वास्तव में जैन धर्म की जो स्थापना किए, जो वर्तमान स्वरूप जो दिखता है जैन धर्म का, वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। जो कौन थे, जो पार्श्वनाथ के शिष्य थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट क्या हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ। बहुत बार यह पूछा गया एग्जाम में कि इनका संबंध कहाँ से था, महावीर स्वामी का संबंध कहाँ से था, इनका जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम से। वैशाली क्या था, वैशाली गणतंत्रात्मक राज्य था, गणतंत्र था। वैशाली एक गणतंत्र राज्य था, जहाँ कहा क्या थे, जहाँ बहुत से राजा राज करते थे, उसी में एक राज्य था, उसमें कुंड ग्राम वहाँ के राजा के पुत्र थे, वहाँ के राजा के कुंड ग्राम के राजा के पुत्र थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में आप लोग बॉक्स में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए खास करके। जन्म इनका कहाँ हुआ, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल वैशाली के निकट कुंड ग्राम। पिता का नाम क्या था इनके, पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ, जो क्या थे, बज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञानतिक कुल के क्षत्रिय वंश के प्रधान थे। क्या थे भाई, वैशाली एक क्या था, बज्जी जो संघ था वह क्या था, एक गणतंत्रात्मक राज था, उसी के एक राजा थे, कुंड ग्राम के राजा थे, सिद्धार्थ नाम था, वो ज्ञानतिक कुल के राजा थे, वो क्या थे, उन्हीं के प्रधान के पुत्र थे महावीर स्वामी। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान महावीर था, और पत्नी थी यशोदा, कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, इनकी पुत्री का नाम था क्या, प्रियदर्शना, और इनके दामाद थे जमाली या जमाली, इनके प्रथम विरोधी भी, प्रथम शिष्य भी कहे जाते हैं। इनके शिष्य कौन थे, मक्खली पुत्र गोसाल, इनके शिष्य थे मक्खली पुत्र गोसाल, जिन्होंने क्या किया था, बौद्ध जैन धर्म से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया, जो जैन धर्म से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। इनके प्रथम शिष्य थे जमाली, जो इनके दामाद थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, या पूछ सकता है एग्जाम में, तो जमाली थे, जो इनके दामाद थे। द्वितीय विरोधी इनके थे, प्रथम विरोधी कौन थे, जमाली थे। इनके 14 ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष इनके खिलाफ विद्रोह कर दिए थे, और दूसरे इनके विरोधी थे तीसगुप्त, ये 16वें वर्ष विरोध किए थे। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन की आज्ञा से इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग कर दिया था, और 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे हुआ था जिम्भी ग्राम में, रिजु पालिका नदी के तट पर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे जिम्भी ग्राम के रिजु पालिका नदी के तट पर, जिम्भी ग्राम के रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्रमुख उपदेश इन्होंने दिया राजगृह के
लाचल पहाड़ी पर स्थित बराकर नदी के तट पे इन्होंने अपना उपदेश दिया। यह बुद्ध से जैन से संबंधित, महावीर जैन से संबंधित, इनको प्रमुख उपाधि क्या मिली थी? कैवल्य या केवलिन की उपाधि, केवलिन या कैवल्य की उपाधि मिला। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त व्यक्ति, जीन विजेता कहा जाता है। जीन मतलब क्या होता है? विजेता मतलब जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। और निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जैन लोग क्या रहते हैं? बिना वस्त्र के रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं, मतलब वो किसी तरह निर्ग्रंथ होते हैं, मतलब बंधन रहित। मतलब वस्त्र को ये लोग क्या मानते हैं? बंधन मानते हैं, बंधन रहित, अहर्त। और इनको क्या कहा गया? पूज्य कहा गया। महावीर स्वामी को क्या क्या नाम दिया गया था? केवलिन कहा गया, मतलब इनको कैवल्य की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जीन कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों को पर विजय प्राप्त कर लिया था। और निर्ग्रंथ मतलब क्या हो गया? बंधन रहित। इन्होंने, आप देखेंगे कि इन्होंने अपना क्या किया? वस्त्र त्याग दिया था। और आहत मतलब क्या होते? पूज्यनीय हो गए। जीवन का अंत इनका कहाँ हुआ? निर्वाण की प्राप्ति इनको हुई पावापुरी राजगृह में। पावापुरी है राजगृह जिले में, राजगृह अब वर्तमान में नालंदा जिला जिसको कहा जाता है, यहीं पे के राजगृह में पावापुरी जगह है। यहाँ पे इनको क्या हुआ? निर्वाण की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में षष्ठीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान। पावापुरी में किसका राज्य था? देखते हैं कि पावापुरी में मल्ल शासक का राज्य था, मल्लों का राज्य था पावापुरी में। यहीं पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व। इस तरह यह महावीर स्वामी के बारे में मोटा मोटी था जानकारी। अब इसको हम लोग व्याख्या में कैसे पढ़ेंगे? बॉक्स में दे, हम लोग पढ़ लिए। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञानतिक कुल के प्रधान थे। भाई ज्ञानतिक कुल के प्रधान मतलब क्या हुआ? बज्जी संघ में क्या थे? 14 राजा थे। बज्जी जो संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी, या क्या था? गणतंत्र था। उसमें 14 राजा थे। एक राजा जो थे उसमें महावीर के पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञानतिक कुल के क्षत्रिय वंश से थे, प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबसार के ससुर लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रश्रय मिलने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि यह क्या थे? दोनों जो वंश, दोनों धर्मों के जो संस्थापक थे वो राजकुल से संबंधित थे। और कहीं ना कहीं इनको उस समय के जितने मजबूत महाजनपद थे उनका इनको समर्थन मिला, क्योंकि इन लोगों की क्या थी? कहीं आपस में इन लोगों की कहीं ना कहीं रिश्तेदारी थी। तो इस धर्म का प्रश्रय मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को परित्याग कर यति हो गए। यति मतलब सन्यासी हो गए। क्या मतलब हुआ? कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिए थे? गृह त्याग करके सन्यास इन्होंने ले लिया था। और 42 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात, 42 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम देखते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? घर त्याग दिया था और रिज्जुपारिका नदी के तट पे, रिज्जुपारिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने जिम्भी ग्राम के रिज्जुपारिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने घोर तपस्या किया। और 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहीं पे उन्होंने क्या किया? अपने वस्त्रों को पूर्ण रूप से त्याग दिया। उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान के राजगीर के समीप पावापुरी में हो गया। जैन धर्म के सिद्धांत क्या है? देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत, 4 महाव्रत तो हम लोग देखते हैं कि किसने जोड़ा था। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, 4 महाव्रत जो थे वो
पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा 4 दिए गए थे, और पांचवा इसमें महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि जैन धर्म के 5 जो सिद्धांत हैं उसमें से पांचवा सिद्धांत जो है किसने जोड़ा था। 4 तो पहले से चले आ रहे थे, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पहला क्या है? अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य हिंसा सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करना चाहिए, अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को बस में करना चाहिए। यही पांचवा जो महाव्रत था, यही किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। पांचवा जो पार्श्वनाथ के 4 शिक्षाओं में पांचवा महावीर ने जोड़ा ब्रह्मचर्य, कि इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। यही पांचवा महाव्रत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैन धर्म, हम देखते हैं कि महावीर के बाद जैन धर्म क्या हुआ? 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक को क्या कहा गया? श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। ऐसे हुआ इसका विभाजन। हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि मगध में अकाल पड़ा। उस समय मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मगध में अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त भी शासन को त्याग कर चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण की तरफ चला गया। किसके साथ? स्थूल भद्र के साथ दक्षिण में चला गया, कर्नाटक में। और श्रवण बेलगोला में उसने क्या किया? अपने शरीर का त्याग किया। लेकिन जब जो दक्षिण चले गए थे, जब वह बाद में जब अकाल समाप्त हो गया, जब वापस मगध वापस लौट के आए, तो उन्होंने देखा कि मगध के जो जैन थे वो क्या कहते थे? वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए थे, सफेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए थे भद्रवाहों के नेतृत्व में। और यहीं पे क्या हुआ? यहीं पे जैन धर्म का प्रथम बंटवारा हो गया। जो वस्त्र धारण करते थे उनको क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया, और जो बिना वस्त्र के रहते थे उनको, नग्न रहते थे उनको क्या कहा गया? उनको दिगंबर कहा गया। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। बहुत बार यह परीक्षा में पूछा गया है, जैन धर्म क्या करता है? देवताओं के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है, परंतु तो उनका स्थान किससे माना गया है? जीन से नीचे माना गया है। जीन मतलब क्या हुआ? जो अपने इंद्रियों को बस में करे, मतलब तीर्थंकरों से महावीर जैन से उनको नीचे माना गया है। जैन धर्म में कहते हैं भगवान तो हैं, लेकिन उनका स्थान क्या है? जीन से नीचे है, मतलब जो अपने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, मतलब महावीर जैन, उनसे उनका स्थान क्या है? नीचे है। जैन साहित्य, याद रखिएगा आप लोग कि जैन धर्म क्या मानता है? जैन धर्म जो है वह भगवान का अस्तित्व मानता है, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार कर। अब देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? यह अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस निम्नलिखित में से किस साहित्य को आगम कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें इसके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार होता है। यही आगम है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए। जैन धर्म में क्या बताया गया? जैन धर्म में भाई हम लोग देखते हैं क्या कहता है? सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य मतलब क्या हुआ कि इसमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति होने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसमें
छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आवश्यक है। मतलब क्या हुआ, सही ज्ञान की प्राप्ति हो ध्यान के द्वारा हो, किसके द्वारा, और आचरण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आचरण जो होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए। यही तीनों जैन धर्म के क्या कहे जाते हैं, त्रिरत्न कहे जाते हैं। कई बार यह एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण है, यही जैन धर्म के क्या है, त्रिरत्न है। इनको तीन जौहर भी कहा जाता है। जैन धर्म के अगर परीक्षा में पूछता है कि तीन जौहर कौन है या त्रिरत्न कौन है, तो यही होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। देखिए, जैन संगतियों का, दो जैन संगतियों का आयोजन हुआ। प्रथम जो जैन संगति थी यह कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। किसके समय में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुआ, स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ, इसकी अध्यक्षता किया था स्थूल भद्र ने 300 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में किया गया। और द्वितीय जो संगति हुआ, द्वितीय जो जैन संगति का आयोजन किया गया था, कहाँ, बल्लभी में किया गया था, गुजरात में। द्वितीय जो जैन संगति का आयोजन हुआ था वो हुआ था बल्लभी में, गुजरात में। किसके नेतृत्व में, देवार्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में, देवार्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ था। ये क्या थे, श्वेतांबर। देखिए इसको क्या कहा जाता है, श्वेतांबर का वो कहा जाता है, श्वेतांबरों का माना जाता है। श्वेतांबर आचार्य थे देवार्धि क्षमा श्रवण, इन्हीं के नेतृत्व में 512 ईसा पूर्व में बल्लभी में द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, दोनों परीक्षा में पूछता है। प्रथम जैन संगति स्थूल भद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में, और द्वितीय जैन संगति देवार्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में बल्लभी में। यह परीक्षा में प्रश्न यहाँ से है। जैन धर्म ने, जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से अस्पष्टता पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला जहां पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि यह इस धर्म को एक कम बढ़ने का, हम देखते हैं कि जिस तरह जैन बौद्ध धर्म का पूरे भारत में प्रसार हुआ, विश्व में प्रसार हुआ, उस तरह जैन धर्म का नहीं हुआ। उसके पीछे कारण था, यह धर्म क्या था, यह धर्म के अंदर बहुत सी रिजिडता थी, इस धर्म के अंदर बहुत ज्यादा रिजिड था। हम देखते हैं कि इसने पहला क्या काम किया कि इसने अपने आप को ब्राह्मण धर्म से बिल्कुल पृथक नहीं किया। इसने अपने आप को ब्राह्मण धर्म से बिल्कुल पृथक नहीं किया। पहला कारण माना जाता है इन्होंने अपना प्रसार वही किया जहां कि ब्राह्मण धर्म कमजोर था, जैसे दक्षिण के और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत मतलब गुजरात, गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पर इन्होंने किया, जहां क्या था, पहले से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म कमजोर था, ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था, तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कब, जब उसने सिंहासन त्याग कर श्रवण बेलगोला में जब अपने अंतिम दिन बिताने के लिए चला गया। श्रवण बेलगोला कहाँ है, वह है आपको, श्रवण बेलगोला जो है आपको कर्नाटक में है, जब वहां चला गया तो वहीं पे इसने क्या किया, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
जैन धर्म का क्या योगदान है? जैन धर्म का योगदान, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्म उपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल का प्राकृत भाषा को अपनाया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैन धर्म ने, भाई जैन धर्म का क्या योगदान है, योगदान में क्या किया इसने? वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड के बुराइयों को रोकने के लिए उन्होंने गंभीर प्रयास किया। मतलब इन्होंने वैदिक धर्म में जो क्या था, वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड से संबंधित था, उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। दूसरा चीज कि जैनों ने क्या किया कि ब्राह्मणों के द्वारा जो संपोषित भाषा थी संस्कृत, देखिए संस्कृत उस क्या था, बहुत ही कम लोगों को आता था, सभी लोग तो संस्कृत बोलते नहीं थे, तो इसके द्वारा इन्होंने अपने धर्म प्रचार का सहारा न लेकर आम लोगों की जो भाषा थी प्राकृत, उसका इन्होंने सहारा लिया। एक चीज देखिए बताते हैं, भाषा एक बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों को अपने तरफ जोड़ने के लिए भाषा एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखिएगा कि आप कहीं बाहर जाएंगे, अगर मान लीजिए आप जहां से भी हैं, साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं, आप अब जो अपनी भाषा में बोलेंगे तो अगर आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा वो आपके तरह सबसे पहले अट्रैक्टिव होता है। वही चीज कह रहा है, वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि जैनों ने क्या किया, जैन हुए चाहे बौद्ध, दोनों ने कि आम लोगों की जो भाषा थी उसको इन्होंने अपनाया। जिसे जैनों ने क्या किया, प्राकृत को अपनाया, प्राकृत भाषा को अपनाया, या आम लोगों की भाषा थी। इस तरह हम देखते हैं कि इस धर्म के प्रसार में इसने भी योगदान दिया। किसने? आम लोगों की भाषा ने। इसे आम लोग क्या हुए, आकर्षित हुए इस धर्म की तरफ। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म किस में, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म भाई कहता है ना कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, मतलब कर्मवाद में विश्वास करता है और किसमें, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म का क्या कहना है, जैन धर्म का कहना है कि जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, और जन्म और मृत्यु का मतलब अच्छे कुल में पैदा लेना या सही तरीके से मृत्यु को प्राप्त होना, यह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म जो है वो संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। अभी हम बताए थे कि ईश्वर के अस्तित्व को तो मानता है, जैन धर्म जो है वह ईश्वर के अस्तित्व को तो मानता है, लेकिन क्या कहता है, उनका स्थान कहाँ है, जीन से नीचे है, उनका स्थान जो है वो जीन से नीचे है। ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं लेकिन उनका स्थान वो क्या कहते हैं, जीन से नीचे मानते हैं। और क्या कि यह जिसे हिंदू धर्म में क्या कहा गया है, हिंदू धर्म में कहा जाता है ब्राह्मण धर्म में कि इस सृष्टि का निर्माण करता कौन है, ईश्वर है, इस सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं, इस चीज को भी जैन स्वीकार नहीं करते हैं। जैन इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि के रचनाकार। जैनों ने प्राकृत को अपनाया और प्राकृत भाषा की साहित्य समृद्ध हुई। अब देखिए जब जैन लोगों ने जब प्राकृत को अपनाया, अपने साहित्य के क्षेत्र में अपने प्रचार में इन्होंने जब प्राकृत भाषा को अपनाया तो क्या हुआ, इसे अनेक जैन ग्रंथों की रचना किसमें हुई, प्राकृत भाषा में हुई। इससे क्या हुआ, प्राकृत साहित्य का को जन्म मिला और प्राकृत साहित्य जो थी वो समृद्धि हुई। अब देखिए यहां ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक क्या हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यहां से पूछा। जैसे ऋषभ देव का प्रतीक क्या है, सांड से माना जाता है, वृषभ से, ऋषभ देव का प्रतीक जो है सांड या वृषभ से माना जाता है।
क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे, इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। और अजीतनाथ, अजीतनाथ द्वितीय दूसरे तीर्थंकर हैं, अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं। इनको क्या मतलब, इनका जो प्रतीक चिन्ह हाथी है, सांड हो गया ऋषभदेव का, हाथी हो गया अजीतनाथ का। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ को हिरण माना जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हिरण या मृग। और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है सांप, सर्प माना जाता है इनका। और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, शेर। यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ऋषभदेव का सांड, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण या मृगा, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए, कुछ साहित्यों की रचना प्राकृत भाषा में हुई, और किसके द्वारा कौन सा लिखा गया, जैसे भद्रबाहु ने कल्प सूत्र का रचना किया, लेकिन किसमें किया, संस्कृत भाषा में किया। अब यह परीक्षा में पूछ सकता है कि भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है, भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है, क्यों पूछ सकता है। पूछ इसलिए सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि जैन लोग किसका, प्राकृत भाषा को प्रश्रय दिए, लेकिन भद्रबाहु के द्वारा जो लिखा गया साहित्य, वह कल्प सूत्र वह किस में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसलिए अब इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभा चंद्र ने किया था। दूसरा जैन किताब कौन है, प्रमेय कमल मार्तंड, इसकी रचना किसने किया था, प्रभा चंद्र ने किया था। और परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परिशिष्ट पर्व किसकी रचना है, यह है हेमचंद्र सूरी की रचना है। प्रधान बहुत ये भी जैन आचार्य रहे हैं, हेमचंद्र सूरी, इनकी रचना क्या है, परिशिष्ट पर्व है। ये किसके दरबार में थे, यह थे कुमारपाल के दरबार में, सोलंकी शासक कुमारपाल के दरबार में, गुजरात के शासक कुमारपाल के दरबार में हेमचंद्र सूरी थे, उनके द्वारा रचित रचना है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व की रचना किसने किया था, हेमचंद्र सूरी ने किया था। भगवती सूत्र जो क्या है, जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भगवती सूत्र, इसमें किसमें, महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में जब कहेगा, तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जैसे उसी तरह पूछता है कि निम्नलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो क्या है, वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, वो क्या है, बौद्ध साहित्य है। और भगवती सूत्र क्या है, जैन साहित्य है, इसके अंदर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख किसमें, आचरांग सूत्र में उल्लेखित है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया, पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जैन भिक्षुओं के लिए आचार संहिता तैयार किया गया है, या जैनों के आचार संहिता कौन सी पुस्तक है, जैनों के लिए आचार संहिता कौन सी पुस्तक है, वो है कौन, आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र क्या है, इसमें क्या दिया गया है, आचार नियम दिए गए हैं, मतलब जैन भिक्षुओं को किस तरह के व्यवहार और किस तरह के नियम का पालन करना चाहिए, वो किसमें वर्णन है, आचरांग सूत्र में वर्णन है। बौद्धों की तरह जैन भी क्या थे, प्रारंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे,
ये भी लोग शुरू में क्या थे, मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थकरों की मूर्ति और प्रतिमा का पूजा करने लगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि इनके अंदर भी धीरे धीरे वही बुराई आने लगी जो हिंदू धर्म के अंदर थी। ये भी लोग क्या हुए, ये भी लोग हिंदू धर्म से अपने आप को अलग नहीं रख सके। अलग तो कभी भी इन्होंने पूरी तरह से नहीं किया, और ये लोग भी शुरू में क्या थे, शुरू में ये मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये लोग भी महावीर के साथ साथ अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करने लगे। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आखिर इस धर्म के पतन के क्या कारण थे, या धर्म आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ा। देखिए इसका क्या कारण है, इसको हम बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिए कि इसमें क्या दिया गया कि अहिंसा पे कुछ अतिशय बल दिया गया, अहिंसा पे कुछ ज्यादा ही अतिशय बल दे दिया गया। अब जैसे कृषि कर्म का विरोध किया गया, क्यों हाँ? अहिंसा पे बल मतलब क्या हुआ कि कृषि जब होगी, कृषि होगी तो उसमें क्या होगा, खेतों के अंदर जो जीव जंतु हैं उनका नाश हो जाएगा, ये अतिशय बल देना हो गया। भाई कृषि नहीं होगी तो लोग क्या खाएंगे, अनाज तो वही खाते थे लेकिन कृषि कार्य में भाग ये लोग नहीं लेते थे, तो क्या हो गया, यह अतिशय अतिवादी हो गया। यह धर्म, इस धर्म के नाश होने का, कम प्रसार होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि यह क्या था, यह अतिशय अतिवादी था, अतिशय अहिंसा पे बल देना शुरू किया। और दूसरे चीज कृषि कर्म पे, और इसमें धर्म में क्या और था कि इसने ब्रह्मचर्य का पालन करने पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करने पर इसने ज्यादा जोर दिया। और तीसरी कि इस धर्म के अंदर भी वही बुराइयां आ गई जो हिंदू धर्म में थी, ब्राह्मण धर्म में। और ब्राह्मण धर्म ने क्या किया, इन दोनों धर्मों से अपने धर्म को बचाए रखने के लिए अपने धर्म के अंदर उन्होंने क्या किया, सुधार किया। इस तरह हम देखते हैं इससे क्या हुआ कि यह धर्म भी धीरे 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 सिकुड़ता हुआ, और भारत में बहुत ही कम मात्रा में जैन रह गए हैं, सबसे छोटा यह अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में है, और विश्व में यह धर्म और कहीं नहीं है, केवल भारत में देखने को मिलता है। इस तरह हम आज जैन धर्म पढ़ लिए, कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के उद्भव और उसके कारण, जो सेम यही है, जो और क्या पढ़ेंगे, महावीर गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तथा आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है उसके माध्यम से आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए। और इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।